हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक समोल और आज हम बात करते हैं जियो फोन का F101K के बारे में। ठीक है, यह लाइव का मॉडल है, LYF का F101K। तो दोस्तों, अगर आप में जो ये सेट में अगर आपका जियो लोगो में रुक रहा है, ऐसे जियो लोगो लिख कर रुक रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको कैसे फ्लैश करना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपको इसका कंप्लीट फ्लैश फाइल, फ्लैश टूल और जितने भी ड्राइवर है मैं आपको दे दूंगा, तो आप सब डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए, ठीक है। तो ये मॉडल है F101K। अगर आपका इसमें अगर फ़ोन का लॉक भी मतलब आ गया है फिर, या फिर जियो लोगो में रुक रहा है, तो कैसे इसको हम रिमूव करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं देखिए कंप्लीट फोल्डर बना चुका हूँ, ये वाला फोल्डर। आप जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ऐसा वाला एक फोल्डर आ जाएगा, लिखा होगा GOF101K ऑल फाइल एंड टूल, ठीक है। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, तो इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। देखिए, ये है जियो फोन का फ्लैश फाइल, आपको ये मिल जाएगा। ये है पैक फाइल, ठीक है। ये फाइल आपको इस फोल्डर के अंदर आपको मिल जाएगा, इसका फ्लैश फाइल। उसके बाद जियो फोन का SPD ड्राइवर, ठीक है, ये है ड्राइवर। अगर आपका 32 बिट है सिस्टम या फिर 64 बिट है, मेरा 64 बिट है, तो चलिए फिर मैं आप इसको अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर एस और नेक्स्ट करना है नेक्स्ट। देखिए, ऑलरेडी मेरा दोनों ठीक लगा हुआ है ना, ऑलरेडी मेरा ड्राइवर मैं इसमें दे चुका हूँ, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं अभी फिनिश, ओके। तो ये जियो का ड्राइवर था SPD का। आपको और एक नॉर्मल सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, या 64 बिट का या फिर 86 बिट का। ये सब फोन में काम में आता है, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, कहीं आपका काम में आ जाए, ठीक है। 64 या फिर 86, दोनों बिट का है। तो आप जिस जो आप दोनों ट्राई करिए, जो आपका सिस्टम लेता है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए, तो लास्ट में आता है बारी SPD अपग्रेड टूल का। तो ये टूल मैं आपको दे चुका हूँ, ये आपको भी ये नेट में मिल जाएगा ये टूल, नहीं तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे, ठीक है। तो पहले टूल ओपन कर लेते हैं, SPD अपग्रेड टूल, ओके। तो इसको यहाँ से अपग्रेड डाउनलोड, देखिए यहाँ जो सिम्बल दिया हुआ है, ये सिम्बल, इसको ओपन कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए, ये टूल खोल गया अभी। टूल जब ऐसे खुल जाएगा तो आपको यहाँ पर चलना है सेटिंग पर, ये वाला सेटिंग में जाकर जहाँ पर आप ये फाइल रखे हैं, तो हम इसको रखे हैं डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर चलते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप जाने के बाद GOF101 के फाइल एंड टूल्स, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए आप ओपन। तो देखिए, अभी यहाँ पर लोड हो रहा है, ठीक है। चलिए, अभी आपका सक्सेसफुली ये फाइल लोड हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको कैसे आप फोन को कनेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको ये देखना है कि आप फोन को कैसे कनेक्ट करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका फोन, तो आप इसमें लगाएंगे बैटरी, ओके। तो आपका जो डाटा केबल है, इसको आप आपका पीसी में अगर आप फ्लैशिंग कर रहे हैं, तो पीसी का पीछे वाला जहां पर डायरेक्ट मदरबोर्ड का पॉइंट, यूएसबी पॉइंट है, वहां पर लगाइए, ठीक है। आगे मत लगाइए, पीछे लगाने से अच्छा रहेगा। चलिए, अब हम यहां पर देते हैं स्टार्ट बटन, ये वाला बटन को देते हैं, ये वाला बटन देख लीजिए आप, मैं माउस का आरो दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला, इसको करिए आप स्टार्ट डाउनलोडिंग, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, तीन नंबर का की है, तीन नंबर का, 1 2 3, तीन नंबर का की को प्रेस करके आपको केबल लगा देना है। चलिए देखिए, अब आप वो की को छोड़ दीजिए, तो अभी आपका डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है, ओके। अभी फ्लैशिंग चल रहा है अभी, तो थोड़ा आप वेट करिए,
तो ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर अभी लिख चुका है आपका पास, देखिए यहाँ पर आपका अभी लिख चुका है पास, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से केबल निकाल लेंगे और बैटरी को, और एक बार निकालेंगे बैटरी, उसके बाद फिर से अभी निकाल कर बैटरी लगा लेंगे और अभी सेट को करते हैं ऑन। चलिए अभी सेट आपका ऑन हो चुका है, तो फटाफट थोड़ा सेटअप कर लेते हैं ऑन होने के बाद। ओके दोस्तों, देखिए सक्सेसफुली आपका यहाँ से जियो का लोगो लोगो हट चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चले आइए इंग्लिश पर, यहाँ पर ओके, और यहाँ पर कर लेते हैं एक्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीट मेन्यू आपका, आपका फ़ोन अभी सक्सेसफुल फ्लैश हो चुका है। ओके दोस्तों, थोड़ा आई एन ओ चेक कर लीजिए, *H06H। चलिए आपका पूरा परफेक्ट नंबर है, ठीक है। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कुछ आपका प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कैसे करना है। अगर पहली बार आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे, मेरा तो एक ही बार में कनेक्ट हो गया यहाँ पर, फ़ोन यहाँ पर एक बार कनेक्ट हो गया। शायद आपका कुछ ड्राइवर यहाँ पर लेने में, यहाँ पर जो ड्राइवर लेता है यहाँ पर शो करेगा आपका, जब ड्राइवर देंगे तो यहाँ पर शो करेगा, कुछ टाइम ले सकता है कनेक्ट लेने में, कुछ टाइम ले सकता है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही प्रोसेस दोबारा ट्राई करना, वो हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए तो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।